नमस्ते। राजस्थान में एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी की जो है वो पहली सूची आ गई। इस सूची को आने से पहले कई सारी चर्चाएं चल रही थी, कई तरीके की जो खबरें थी वो आ रही थी। कहीं जो है राहुल गांधी की नाराजगी की खबर चल रही थी, तो कहीं अशोक गहलोत के प्रेशर पॉलिटिक्स की, तो कहीं सचिन पायलट के जो है वो पावर पॉलिटिक्स की। इस प्रेशर पॉलिटिक्स और पावर पॉलिटिक्स का मतलब ये था कि अशोक गहलोत एक तरफ प्रेशर बना रहे थे कि कई सारे जो उम्मीदवार हैं जो अब जिताऊ नहीं हैं उनको हटाया जाए, कई सारे उम्मीदवार हैं जो जिताऊ हैं वो कहीं से भी आए हों उनको रखा जाए। वहीं जिन लोगों को ये टिकट कटने का इशारा अशोक गहलोत के कारण मिल रहा था उनको सचिन पायलट अपने खेमे में बुला ले रहे थे और ये कह रहे थे कि मैं तुम्हें टिकट दिलाऊंगा। इस तरीके की खबरें आई थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ था, इस तरीके की खबरें लगातार आ रही थी और इसको लेकर के खूब चर्चा भी हो रही थी। आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने 33 लोगों की एक सूची जारी की। हालांकि इस सूची में जो तमाम बड़े नाम हैं और ऐसे नाम जो जीते हुए थे कुछ नामों को छोड़ करके पहले से विधायक रहे हैं और वो माना जा रहा था कि इन सबका टिकट लगभग फिक्स है। एक बड़ी चीज ये हुई कि इसी लिस्ट के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी एक लिस्ट आई और इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा सबसे चौंकाने वाला नाम था वो नाम था वसुंधरा राजे सिंधिया का। अब ये दोनों सूची, इन दोनों सूची में नया क्या था, इसका क्या असर होगा, आज हम इसी पर बात करेंगे राजस्थान की सियासत को लेकर के। हमारे साथ जैसा आप देख पा रहे हैं ओम सैनी सर मौजूद हैं। ओम सैनी सर राजस्थान से वरिष्ठ पत्रकार, इकलौते ऐसे पत्रकार राजस्थान के जिन्होंने इमरजेंसी में जो है वो जेल का भी आनंद उठाया हुआ है, तो एक लंबा दौर इन्होंने राजस्थान की सियासत का देखा है और बहुत बारीकी से उसको समझते हैं। ओम सैनी सर बहुत स्वागत है आपका। सर दोनों सूची एक साथ, कांग्रेस की बहुत बहुप्रतीक्षित सूची आज जारी हुई और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी एक सूची जारी की। उस सूची में भी एक चीज बहुत प्रतीक्षित थी और वो था वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम जो इस सूची में था। सर क्या नया है सूची के हिसाब से राजस्थान की सियासत के लिए? देखिए, राजस्थान की सियासत में जैसी शतरंज दोनों ओर से खेली गई वो बड़ी जोरदार है। मतलब उसमें अपने आप में बड़ा आनंद आ रहा है। इस माने में आनंद आ रहा है कि एक तरफ मुझे भारतीय जनता पार्टी की सूची मैंने देखी और साथ साथ में मैंने वो इतिहास देखा जिसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रांतीय नेता के रूप में और राष्ट्रीय नेता के रूप में और पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे का अपना दबदबा और वर्चस्व रहा। उन्होंने अपना मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता रहते हो किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब के साथ में मुकाबला किया, उनको हटाने और उनको हाशिए पे लाने की बहुत सारी कोशिशें रही, लेकिन वो लगातार पहले एटीट्यूड के साथ में रहे, उसके बाद में उन्होंने आगे पीछे हटना स्टार्ट किया और एक संवाद के जरिए अपने को आज तक इस दौड़ में रखा है कि वो इनके साथ में बराबर का मुकाबला कर सके। और यही हुआ है, उन्होंने कहीं कोई अपनी आंखें नहीं दिखाई, लेकिन नाराजगियों के स्वर को बड़े अलग तरीके से पेश किया है जिनका जवाब देते नहीं बना नरेंद्र मोदी जी के लिए और अमित शाह के लिए। उनको कहना ही पड़ा कि साहब, अंततः इन सारी चालों के बीच में उन्हें कहना पड़ा कि चेहरा कोई नहीं होगा, कमल कमल का वो होगा, कमल ही चेहरा होगा और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में वसुंधरा जी के सामने ये एक एक तरह के चुनौती थी कि ऐसी स्थिति में उनके पास में जो होना चाहिए जिससे कि उनका नाम समझा जाए और जाना जाए, तो उसके लिए ऐसा है कि टिकट सारे हासिल करने पड़ेंगे, उनके समर्थकों को टिकट मिलने चाहिए। तो पहली लिस्ट में भी इनके समर्थक थे और दूसरी लिस्ट जो 83 की है उसके अंदर भी इनके समर्थक रहे। जिन 8 लोगों के टिकट कटे उसमें टिकट कटे उसमें इनका वो नहीं, और पांचवी बार इनको मुख्यमंत्री बनने के बावजूद विधायक का टिकट दिया गया, वो भी बड़ा सामने आया। इसे लगा ये कि वो लगातार अब नेतृत्व करने की स्थिति में है, वो अपना शक्ति केंद्र बनाए रखने की स्थिति में है। जो कुछ भी फैसला होगा उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई हैसियत बनती है तो वसुंधरा जी उसमें बहुत प्रमुख होगी, ये लगभग स्थापित हो गया। दूसरी ओर कांग्रेस में जो बड़ी चर्चा का विषय रहा कि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में काफी अदावत है, इन लोगों के साथ में समन्वय होना बहुत मुश्किल है, वो उन्होंने करके दिखाया कि हम बिल्कुल समन्वय के साथ में उपस्थित हो रहे हैं। और देखिए, किसी मुख्यमंत्री के तो अपने स्टेटमेंट भी, वो कहते हैं कि मैंने किसी भी सचिन पायलट के समर्थक का किसी का टिकट का विरोध नहीं किया, और ये भी कहा वो अलग अलग अपने मैसेज देते रहे। तो और उसके नतीजा ये होगा कि जो आज जो उनकी लिस्ट आई है उसमें सिर्फ 2 लोग हैं जो पहले पराजित हुए, तो बाकी सारे विजयी विधायक थे। तो
उनको जो दिया है, तो ये तो कोई लिस्ट ही नहीं है, तो ये निश्चित रूप से विजयी होने वाले कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस पार्टी में कहा जा सकता है। तो बाकी जो आएगी उसका उसके आने पर जो पता लगेगा, लेकिन फिलहाल वो दृश्य देखने को नहीं मिल रहा जो भारतीय जनता पार्टी के 41 की लिस्ट के साथ में देखने को मिला था कि कोई रो रहा है, कोई कोई फ्लॉप कर रहा है और साथ साथ में नारे लगा रहा है, वैसा दृश्यमान ही मिला। राजस्थान कांग्रेस पार्टी के अंदर वो सीन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लगा कि चित्तौड़ के अंदर जैसे वो कांग्रेस का नहीं, वो भी बीजेपी का ही लगा कि नरपत सिंह राजू के वहां जाने से किस तरीके के नारे जो एग्जिस्टिंग विधायक है उसके लोग लगा रहे थे, लेकिन बाकी बड़ा सहज रूप से सब कुछ हो गया। सर अभी हम लोग वसुंधरा पे लौटेंगे, पहले जरा बात कर लें। एक चर्चा आज जो सूची भाजपा ने जारी की उसके बाद से एक चर्चा शुरू हुई जो नेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र राठौड़ साहब, उनके टिकट को लेकर के, उनको जो है वो चुरू के बदले तारानगर भेज दिया गया, इस चीज को लेकर के राजस्थान से लगातार खूब चर्चा की खबरें आ रही हैं। जितनी भी वेबसाइट्स पढ़ी है हर जगह उनका एक अलग से जिक्र है, एक अलग से कहीं कॉलम में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। क्या ऐसा विशेष हो गया है भाई, वो तारानगर से मेरे हिसाब से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ देखिए, वो तो मैं देखना पड़ेगा, लेकिन ये तय है कि राजेंद्र राठौड़ के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है तारानगर से। तारानगर की ये विधानसभा क्षेत्र एक वक्त में चंदनमल बैद की हुआ करते थे, मुझे तो उस वक्त का याद है, अभी का तो याद नहीं है कि कौन था अभी वहां से, लेकिन ये चूरू के पास की जगह है, कोई दिक्कत वाला दृश्य बनता नहीं है और जाटों की प्रोमिनेंसी है इसके अंदर। तो उनको ये लगता है कि क्योंकि राजस्थान में ऐसा समझा जाता है कि जाट और राजपूतों के साथ में समन्वय में बैठना बड़ा मुश्किल काम होता है, और वो शायद उनके लिए एक दिक्कत तलब सिलसिला हो सकता है, क्योंकि चूरू की जिस विधान मतलब जिस क्षेत्र से लड़ रहे थे वहां पर इनकी कम्युनिटी के बड़े काफी लोग हुए हैं और वो प्रभावित थे और उनके माध्यम से सीधे सीधे निकल करके आ जाने का सिलसिला था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं लगता कि राजेंद्र राठौड़ के तारानगर में जाके फंस गए हों। अब बाकी तो कल डिटेल्स देखने में मालूम पड़ेगा कि इनका कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई संकट वाला सिलसिला, क्योंकि संकट वाला होता तो ये निश्चित रूप से बोलते हैं। ये तो प्रसन्न नजर आ रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं कि हाँ लिस्ट बहुत बेहतरीन है, तो इसका मतलब ये है कि उनको उस जगह से कोई खास एतराज नहीं है। और फिर जब वसुंधरा जी झालावाड़ से इलेक्शन लड़ रही हैं, तो अब ये समझना कि अब राजेंद्र राठौड़ का कोई भविष्य अपना स्वतंत्र रूप से निखर के आ जाएगा, ये संभव नहीं है। वसुंधरा जी उनके भारतीय जनता पार्टी की जो भी स्थिति होगी उसमें वसुंधरा जी के रहते हुए न तो राजेंद्र राठौड़ को वो हैसियत मिल पाएगी, न पूनिया जो सतीश पूनिया जो पहले प्रदेश अध्यक्ष होते थे जिनको टिकट मिला आमेर से, उनकी कोई हैसियत, तो ऐसी कोई हैसियत नहीं है। ये तो वर्चस्व तो इसमें वसुंधरा जी का ही नजर आता है, बाकी बाकी लोगों को लेकर के कोई संकट का सिलसिला है नहीं। सर जब पहली लिस्ट जारी हुई थी तो उस समय ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा के तमाम करीबियों का टिकट काटा गया, और उसमें सबसे ज्यादा नाम अगर किसी का लिया जा रहा था तो वो नरपत राजवी का नाम था, क्योंकि भाई वसुंधरा के गुरु भैरव सिंह शेखावत जैसा आप बताते हैं उनके दामाद हैं वो, इस लिस्ट में उनका भी नाम आ गया है वसुंधरा के साथ साथ। और दूसरा ये कि सर ये सूची आई है, पहली सूची में जिस तरीके से वसुंधरा के लिए कहा जा रहा था कि भाई इनका कोई दबदबा नहीं है, इनके तमाम समर्थकों को बाहर करने का काम किया जा रहा है उन्हीं के तरीके से जैसे वसुंधरा को किया जा रहा है, लेकिन ये सूची जब आई तो इसमें वसुंधरा के तमाम समर्थकों के नाम है, इस सूची में साफ साफ दिख रहा है कि वसुंधरा का दबदबा है। तो सर ये अचानक इतना परिवर्तन कि पहले सूची में बिल्कुल गायब, वसुंधरा को भी किनारे कर दिया गया, फिर एकदम से जब ये सूची आई तो वसुंधरा का दबदबा दिखा करके क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? देखिए ये मेरा ख्याल है कि आला कमान ने यानी कि अमित शाह साहब ने और नरेंद्र जी मोदी ने जिस तरह का सर्वे करवाया होगा, जैसी जानकारियां ली होंगी उसके हिसाब से वो बोल रहे होंगे, लेकिन जब जमीनी यथार्थ उनके सामने आया तो चीजें बहुत अलग किस्म की थी। और उनका पहली लिस्ट के साथ में जो कुछ नजर आ रहा था उसके बाद में दूसरी लिस्ट में उन्होंने वैसा करने की कोशिश नहीं की है और न उस तरीके के बदलाव किए हैं। जो जीताऊ नजर आ रहा है उसको उन्होंने टिकट दे दिए और साथ साथ में वसुंधरा जी के साथ में उस तरह की तकरार वाला सिलसिला नहीं है। लेकिन उसके सबसे बड़ा कारण ये रहा कि वसुंधरा जी ये जो कमेटी की मीटिंग्स में गई हैं और रात रात भर बैठी हैं या घंटों बैठी हैं, तो उनके पास में सारे विधायकों की अपनी लिस्ट थी जो प्रत्याशी थे और उनके पीछे उनका बैकग्राउंड, उनकी सारी जानकारियां उन्होंने जिस तरीके से वहां प्रस्तुत की कोर कमेटी की मीटिंग के अंदर, जो भी टिकट
तय कर रही थी, उसको लेके वो लोग हतप्रभ थे कि हमारी जो सर्वे कमेटियां वो तो जो कुछ बोल रही है हम कुछ कुछ अर्थ ही नहीं है, इनके पास में सारी डिटेल्स हैं, तो सारी बातें जानकारियां हैं, तो ऐसे स्थिति में उनको चुनौती देने की स्थिति किसी को नजर आई नहीं। और खास तौर से जो जिन लोगों को वहां अमित शाह साहब या नरेंद्र मोदी साहब राजस्थान से उस तरीके से वाकिफ नहीं है, वसुंधरा जी के तो हर विधानसभा क्षेत्र अपनी उंगलियों पे वो करके बता सकते हैं कि कैसा सीन है और कैसा नहीं है। नरपत सिंह राजभी को लेकर के जो बात बनी थी, नरपत सिंह राजभी जो अपने टिकट कटने की बात पर बड़े परेशान थे, तो जल मंत्री ने जाकर उनको समझा दिया था कि आपको वापस उसी जगह से देंगे जहां से आप चित्तौड़ से पहले इलेक्ट होके आए थे, आपको वहीं पर कर देंगे, तो उनका स्वर सारा बदल गया। वरना तो वो मुगलों के साथ में क्या जो जिन लोगों के संबंध रहे उनके साथ में इस तरह का क्यों आला कमान उनके लिए नरम और मुलायम हो रहा है, इस तरह की बातें भी कह गए थे वो, लेकिन वो सारा खत्म हो गया। तो मैं समझ रहा हूँ कि और वो इनके उसमें नहीं, वसुंधरा जी के गुट में नहीं, लेकिन वसुंधरा जी की खिलाफत का सिलसिला नहीं, उनके सहयोग में रहे। अरे लेकिन इतना इतना जबरदस्त आघात नहीं था ये। जी ओम सर, सीधे सीधे क्या ये कह दिया जाए कि भाई वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के शीर्ष नेतृत्व तो जो कुछ भी कर रहा था उससे जो भी डैमेज दिखाई देने लग गया था, चूंकि तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन से लेकर के और अलग अलग तरीके की चीजें जो है शुरू हो गई थी, सांसद जिनको उन्होंने टिकट दिया है वो अपने क्षेत्र में प्रचार नहीं कर पा रहे थे विरोध के चलते, तो क्या ये पूरा ये जो सूची थी वो केवल और केवल डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखी जाए कि वसुंधरा से जो डैमेज हो रहा था भाजपा को उसको कंट्रोल करने की कोशिश है? देखिए सियासी चाल में तो यही समझा जाएगा कि अगर आप अपना प्यादा बढ़ा रहे हैं तो मैं भी अपने प्यादे बढ़ा रहा हूँ, यानी वसुंधरा भी चल रही है और वो भी चल रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस कदर, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस कदर अपने आप को कमजोर पाएंगे तो वो सरेंडर कर दें। इसलिए कहते कहते भी वो ये जरूर कहते हैं कि चेहरा नहीं होगा कोई भी, चेहरा कमल होगा, यानी वसुंधरा चेहरा ना बन जाए, ये मैसेज ना चला जाए। लेकिन मैसेज तो चला गया, क्योंकि ज्यादातर लोग अगर वसुंधरा जी के समर्थक इसमें विधायक कर प्रत्याशी बनकर के आते हैं और वो इलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में तो वो अपने 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 शक्ति केंद्र तो उनका बन गया, वो तय करेंगे कि कैसे क्या कुछ होना चाहिए। तो अभी ये लड़ाई चलेगी, ये अंतिम लिस्ट जो भी इनकी होगी उसको देखने के बाद में साफ कहा जा सकता है कि कितने लोग वसुंधरा जी के आ गए और कितने लोग नहीं आए, और वसुंधरा जी के ऐसे कितने लोग हैं जो निर्वाचित हो सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई साख है जिसके माध्यम से होना चाहिए, तो वो उसको देख करके बताया जा सकता है कि उनकी संख्या कितनी है और कितना क्या कुछ रहेगा। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का सिलसिला है मध्य प्रदेश में, उसी तरीके से वसुंधरा जी का सिलसिला राजस्थान में है, जो चेहरा तो है निश्चित रूप से, वो मौका पड़ेगा तो खट से चेहरा बन जाएंगे। जी सर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर के थोड़ी बात हो जाए, क्योंकि ये दोनों जो है इनके बिना सियासत वहां की पूरी होगी नहीं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में लगातार विवाद की खबर आ रही थी, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि प्रेशर पॉलिटिक्स और पावर पॉलिटिक्स को लेकर के चर्चा चल रही थी। अशोक गहलोत का बयान अभी आया था 2-3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि सचिन पायलट के साथ जो विधायक मानेसर गए थे उस पर उन्होंने कोई वीटो नहीं लगाया है किसी तरीके, और उन विधायकों का टिकट सबका क्लियर भी हो गया है, और अभी जब सूची जारी हुई तो सारी चीजें प्रत्यक्ष है। तो क्या अशोक ये जो टिकट था वो सब पहले घोषित हो चुका था कांग्रेस पार्टी की किसी रणनीति के तहत, इस टिकट को रोका गया था कि वो भाजपा की दूसरी लिस्ट आ जाए तब हम इसको जारी करें, या फिर कोई और भी कारण इसका था? और गहलोत की जो बात, जो गहलोत ने बात कही थी वो पूरी तरीके से सच साबित हो रही है, तो अब इसको कैसे देखा जाए, कैसे समझाए, क्या इफेक्ट रहेगा? देखिए एक 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 मैसेज बड़ा बरकरार था जिसको दूर नहीं कर पा रहे थे, वो ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में और सचिन पायलट के बीच में बड़ा एक दरार है बड़ी, जिसका हर मीटिंग में एहसास होता था नो ये ईस्टर्न राजस्थान में जाने के साथ ही, क्योंकि उस कम्युनिटी के लोग एक विरोध और एक कहना चाहिए कि नाराजगी का चेहरा जरूर दिखाते थे। तो ये ऐसे में ये लग रहा था कि कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिससे के साथ में ये समन्वय नजर आए, और इसीलिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं मुख्यमंत्री कल परसों दिल्ली के अंदर भी कहा है उन्होंने कि मैंने किसी का विरोध नहीं किया, जिन्होंने जो भी कुछ किया था उन सबको सचिन पायलट के साथ में जो सहयोग कर रहे थे उनको सबको टिकट दिया गया है, यानी कि फिर हम लोग एकजुट होकर के और हमारा मकसद जो है उसको हासिल करना चाहते हैं, ये मैसेज है। लेकिन ये तो तय है, ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री इस बात से इनकार
नहीं करते, वो कहते हैं कि मैं तो छोड़ना चाहता हूँ कुर्सी, लेकिन कुर्सी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। हकीकत यह है कि वो बताना चाहते हैं कि कांग्रेस में कभी भी वो आदमी चीफ मिनिस्टर नहीं बनता जिसका चेहरा होता है, जो कहता है कि ये उम्मीदवार है, वही बनता है जिसके पास में विधायकों की ताकत होती है, जिसके पास में MLAs होते हैं। और ये सच भी है, मुझे याद है कि सन 72 तक मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में जो भी हुआ, बरकतुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद में जब हरदेव जोशी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आए तो फिर पंडित हरदेव जोशी और रामनिवास मिर्धा, जो उस वक्त स्टेट होम मिनिस्टर हुआ करते थे दिल्ली के अंदर, उन्होंने मुकाबला किया और वो पराजित हुए, तो फिर हरदेव जोशी चीफ मिनिस्टर बने। बाद में कांग्रेस के नेतृत्व ने सोचा कि ये नहीं होना चाहिए, पहले ऑब्जर्वर जाएं देख लें कि जो जितने लोग इलेक्ट होकर के आए उनमें जो भी प्रत्याशी सामने हैं उनके लिए पूछा जाए कि साहब किसके साथ हैं, जिसके समर्थकों की संख्या ज्यादा हो उसके आला कमान के सपूत कर दिया जाए, आला कमान इसका ऐलान कर दे। यही हुआ था पिछली बार भी, यही हुआ था और उससे पहले भी यही हुआ था, जब परसराम मदेड़ना की नाराजगी झेलनी पड़ी थी, उसके बाद में सचिन पायलट की नाराजगी झेलनी पड़ी। लेकिन सच यह है कि अशोक गहलोत के साथ में लोगों की संख्या ज्यादा थी, और ज्यादा होने पर फिर कैसे उनको नजरअंदाज। तो अभी भी वो वही वही सोच रहा है कि भाई चलिए जाइए, आप मैदान में हैं, सब लोग हैं, आप भी अपना समन्वय बनाइए, लोगों को अपने साथ में रखिए, सबको कांग्रेस को जिताइए और फिर उसमें अपना बहुमत बनाइए और चीफ मिनिस्टर बन जाइए। और अगर नहीं बना सके तो फिर जो कुर्सी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मैं फिर से चीफ मिनिस्टर बनूंगा। ये तो ये कन्वे हो रहा है ना, ये संकेत आ रहा है, तो इस तरह का बड़ा रोचक दृश्य है ये, जो अपने आप में डेमोक्रेटिक मुख्यमंत्री के चेहरे बन गए हो। जी हाँ सर, टिकट को लेकर के बात, विधायकों के टिकट काटे जाने को लेकर के चर्चा दोनों तरफ से चल रही थी। 8 विधायकों के टिकट भाजपा ने काट दिए, कांग्रेस के तरफ से भी क्या आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि उनके विधायक को टिकट कटेंगे, क्योंकि इसको लेकर के अशोक गहलोत पहले बयान दे चुके हैं कि भाई विधायकों के माध्यम से सारे काम हुए हैं, इसलिए विधायकों के टिकट नहीं कटने चाहिए। देखिए एक बात पे तो मेरा ख्याल है कि फैसला हो गया कि जिन लोगों ने कांग्रेस की विवाद के दौरान सरकार के साथ में रहे हैं उनके टिकट नहीं कटेंगे, चाहे बड़े प्रमुख नाम है, जैसे कि जो मंत्री थे शांति धारीवाल, बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और बड़े पॉपुलर नेता हैं कोटा के, जिन्होंने कोटा की शक्ल बदल दी, धर्मेंद्र राठौड़ हैं, ऐसे ही जितने भी मुख्यमंत्री के साथ में थे उनका 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 उस तरीके से कट, कुछ कुछ लोगों के जो बड़ी चर्चा में आ गए कई अन्य कारणों से, इस कारण से नहीं कि वो मुख्यमंत्री के साथ में थे या वो सचिन पायलट के साथ में थे, कई अन्य कारणों से जिनको लेकर के वो उनके खिलाफ एक लहर है, एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहते हैं वो है, उन लोगों के टिकट कट सकते हैं, बाकी नए चेहरे उस जगह आ सकते हैं, बाकी कुछ भी बदला नहीं जाएगा, क्योंकि ये पहले तय है कि जिताऊ हो उसी को जिताना है, क्योंकि उनके सामने इंडिया गठबंधन वाला सिलसिला है कि हमें अंततः लोकसभा के इलेक्शन में जाना है और उसके लिए हमें एकजुट होकर के रहना है और इसलिए अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करना, इस तरह की बात कहते रहे मुख्यमंत्री, बोलते रहे, अभी 2 दिन तक लगातार बोलते हैं वो, और बड़ी तरकीब से अपना नाम फिर आगे कर देते हैं कि कुर्सी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, कुर्सी कैसे, तो बड़ी हंसी आती, कुर्सी कैसे पीछा नहीं छोड़ रही, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो मेरे बन गई हैं, जो 1930 तक के 2030 तक के लिए मैंने गारंटियां दी हैं, उन गारंटियों को पूरा करने के लिए मुझे फिर से जिस कुर्सी पे बैठे रहना पड़ेगा, यही कहना चाहता हूँ कि मेरा सा ख्याल है, बाकी तो और कोई कारण नहीं, कुर्सी पीछा नहीं छोड़ रही। तो ये हमारी आज की बातचीत टिकट के आधारित, टिकट पर आधारित थी कि जो जो उम्मीदवारों की सूची आई और कांग्रेस की तरफ से भी भाजपा की तरफ से भी, उसके हिसाब से क्या नया था और क्यों इन सूचियों में ये जो नाम दिखाई दे रहे हैं जिनको लेकर के खासी चर्चाएं हैं वो क्यों अहम है। तो ओम सैनी सर, बहुत विस्तृत तरीके से उन्होंने आपने इन सब सारी चीज़ों को क्लियर किया, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं तो समीकरण बहुत तेजी से बनते और बिगड़ते रहेंगे और उतनी ही तेजी से हम आप तक ये समीकरणों को समझाने और पहुंचाने का प्रयास भी करते रहेंगे, जिसमें ओम सैनी सर हमारे पास सबसे एक मजबूत आधार स्तंभ है राजस्थान में बैठे हुए, जो तमाम समीकरणों को यथावत जिस तरीके से जो चीज है वो आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ओम सैनी सर, दर्शकों के लिए हमारी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।